इस वीडियो में दिखाए गए सारे पात्र एवं घटनाएं संपूर्ण रूप से काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका संबंध पूर्ण रूप से संयोग है। हम किसी भी तरीके से तंबाकू को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और हम सख्त रूप से उसके खिलाफ है। ये हूँ मैं, यानी कि मुकेश। हाँ, ये सच है कि मैं दिन के 4 मावे खाता था। अच्छा, मावा राजकोट में इसको फाकी बोलते हैं, सूरत में मावा तरीके से भी जानते हैं, और अहमदाबाद में इसको मसाला बोलते हैं। इसके अंदर सुपारी, तंबाकू तथा चूना होता है। और ये था मेरा जिगरी दोस्त रमेश, पेशे से मैनेजर और दिन की 14 सिगरेट पिया करता था। ये हम दोनों के मिलने की जगह हुआ करती थी। और ये है मिस्टर प्रिंस। उस समय MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और ख़ुद को डॉक्टर प्रिंस नाम से बुलाते थे। डॉक्टर प्रिंस तो पहले से ही तंबाकू के सख्त खिलाफ है। तो यहाँ शुरू होती है ये कहानी। अरे ये कौन है? ये तो वही है ना जिसका पिछले साल सिलेक्शन हुआ था मेडिकल कॉलेज में। लेकिन ये स्लो मोशन में क्यों चल रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोग को पता नहीं इससे कितनी बीमारियां हो सकती है, शरीर को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है? सिगरेट और तंबाकू खाने से श्वास की तकलीफ, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज़ और नपुंसकता और कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां हो सकती है। क्या तुम लोग को पता नहीं है ये सब हो सकता है? क्या भाई, मेरा पापा भी पीता था, मैं भी पीता हूँ और मेरा बेटा भी पिएगा, ठीक है? क्या उखाड़ लेगा? एटीट्यूड ब्रो, एटीट्यूड। सिगरेट पीने पे एटीट्यूड दिखता है? तू अपनी पढ़ाई कर जाके, ठीक है? पढ़ाई के अलावा तेरे को यहाँ पे ज्ञान देने आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चल निकल। लोग को समझाना ही बेकार है यार। जा जा, चल चल। The next day. अरे तुम लोग आज भी खा रहे हो ये सब? मैंने कल तुमको कितना मना किया कि ये सब नहीं खाना, सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी तुम लोग छोड़ नहीं रहे इसे। भाई तू जा तेरी पढ़ाई कर, हमको मत सिखा। जा भाई जा। अरे जा, तू जा, जा भाई यार। Later that same evening. तुम्हें मैंने 2 दिन से मना किया है, फिर भी तुम लोग ये सब कर रहे हो। रुको, मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। अरे नहीं। अरे तूने ये सब कब स्टार्ट किया? यार मैंने तो पापा, मेरे लिए चॉकलेट है पापा। अरे भाई चॉकलेट नहीं खाते, उसे दांत सड़ जाते हैं यार। एक काम करिए, कुछ छोटे जामा वाले के आ जाओ। और यार पापा ने मुझे चॉकलेट खाने से मना किया क्योंकि उससे दांत सड़ जाते हैं, लेकिन पापा तो मावा खाते हैं, तो शायद इससे कुछ नहीं होता होगा, तो ये मैं भी खा सकता हूँ। अरे ठीक है यार, ऐसा था। तू बता, तूने कैसे स्टार्ट किया? अरे यार क्या होता, उस समय की बात है। हाय ब्रो, कैसा है? बढ़िया। क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं यार भाई, एग्जाम में फेल हो गया। छोड़ दो उसे, तेरे को FI करना चाहिए। इससे क्या होगा यार, टेंशन हो रखी है बहुत ज़्यादा। हो दुनिया के सारे दुख दूर भाई, ट्राई करो, मजा आएगा भाई। नहीं यार नहीं, ट्राई करो। वो सबसे ठीक हो जाएगा अगले बार। एक मोट सुहाना है ना? हाँ यार, बहुत सुहाना मौसम है। तुम मावा खाते हो? अरे आजकल तो सब खाते हैं। लेकिन तुमने तो पहले कभी बताया ही नहीं। मावा खाते हैं, सब लोग खाते हैं। लेकिन इसके कितने नुकसान होते हैं ना? सब कहते रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन तुम्हें तो छोड़ना चाहिए ना मावा। ऐसा कुछ नहीं होता मावा से, ठीक है? तुम अगर मावा नहीं छोड़ोगे तो मैं सगाई छोड़ दूंगी। ठीक है, चल मैं छोड़ रहा हूँ। मेरा चैन वैन सब उजड़ा। डॉक्टर साहब,
दिन के लिए मावा नहीं खाया था, ऐसे छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पूरे दिन ना मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत सर भारी भारी लग रहा था सर, और जब शाम को सोने का ना मुझे नींद नहीं आ रही थी डॉक्टर साहब, और बहुत ज़्यादा मन करने लगा था, मन करता रहता है मावा खाने का, जब मावा खाते तब अच्छा लगता है लेकिन फिर मज़ा नहीं आता, क्या ऐसे हो रहा है सर? ये आपको जो हो रहा है उसको विड्रोल सिम्टम्स बोलते हैं, जिनमें भी तंबाकू की आदत होती है और बाद में छोड़ने की कोशिश करते हैं उन सब में ही होता है। थोड़े दिन आप एडजस्ट करोगे तो आपके सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे और आपकी आदत भी छूट जाएगी धीरे धीरे। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप निकोटीन गम्स जैसे उपाय कर सकते हो और किसी भी नज़दीकी नशा मुक्ति केंद्र में भी आप कंसल्ट कर सकते हो और ज़्यादा हेल्प के लिए। डॉक्टर साहब मुझे मावा छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र के लिए कहाँ पर जाऊँ? इसके लिए आप एम्स नागपुर के सिविल हॉस्पिटल के साइकेट्री विभाग में लिखा सकते। तू ले जा। आप ले चलिए। मैं नहीं जा रहा, मेरे को काम है। इलाज का पैसा दे दीजिए। मेरे पास नहीं है पैसे। आपके पास ये सब पीने का पैसा है, अब तो बड़ी इलाज से नहीं है। हाँ, मार दो, मार दो, जहर के, जहर के मार दो, जहर के पैसा होगा ना तुम्हारे पास। अरे रमेश। और भाई कैसा है, क्या चल रहा है? अरे बस देख यार, मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ मावा। छोड़ मावा, ऐसे कैसे भाई? अरे यार वो मेरी मंगेतर है ना यार, उसने जिद की मावा छोड़ दी तो छोड़ रहा हूँ। जाके आया वैसे मैं डॉक्टर के पास आज, डॉक्टर ने कुछ थोड़े थोड़े उपाय बताए, वो देखते हैं। अब कैसे, कहाँ से क्या कर रहा है? अभी तो निकोटिन गम लेके आया हूँ, आगे देखते हैं। मेरे घर पे भी चल रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ छोड़ दूँ। छोड़ देना चाहिए यार, अभी तो दिमाग खराब है, अभी तो जाके लगानी पड़ेगी यार। पागल है यार तू। बोल भाई रमेश, कैसा है भाई? बिल्कुल बढ़िया, तू बता कैसा है? आजकल सिगरेट पीने लगे हो यार तू। यार एक आदत तो चलता ही है। अरे तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, इससे बहुत नुकसान होता है। और तुझे पता है तुम सिगरेट पीते हो, इससे तुम्हारे अलावा तुम्हारी बीवी बच्चों को भी इससे नुकसान होता है। इसमें व्यक्ति विशेष रूप से खुद धूम्रपान नहीं करता, परंतु दूसरे के धूम्रपान करने से पैदा होने वाले धुएं को अपने सांस के जरिए अंदर लेने के लिए मजबूर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरों में बच्चे पैसिव स्मोकिंग का सबसे मुख्य शिकार होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर साल तकरीबन 6 लाख मौतें पैसिव स्मोकिंग की वजह से होती है। पैसिव स्मोकिंग न केवल सिर्फ इम्यूनिटी घटाता है बल्कि मुंह, गले व फेफड़े के कैंसर के होने की आशंका भी बढ़ाता है। पैसिव स्मोकिंग से बच्चों में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इससे गर्भस्थ शिशु मंदबुद्धि या विकलांग पैदा हो सकता है। इसका जो स्मोक है वो कितना हानिकारक होता है, इसमें तो कितने पैसे लगाता है दिन का? 100-200 रुपए। इतने पैसे सिगरेट में डालने की बजाय बचाएगा तो कितने पैसे हो जाएंगे? ठीक है ये सब छोड़ दे, अब नुकसान करता है ये सब। भाई ये ले, एक आज मेरी तरफ से सिगरेट पीने, इससे कुछ नहीं होता, ये ले। हाय भाई। हाँ भाई, कैसा है? बढ़िया रे, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो सिगरेट छोड़ने की सोच रहा था। क्यों? अरे यार सब लोग बोलते हैं कि इससे नुकसान होता है, तो सोचा कि छोड़ दूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई, छोड़ने की जरूरत नहीं, तू कंटिन्यू करो, ले लो, चलो चलो। बैठ जाइए। क्या नाम है? डॉक्टर साहब मेरा नाम रमेश है। क्या तकलीफ है आपको? मेरे को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी है। थोड़ी दिक्कत पहले भी होती थी, पूरे शरीर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है,
और जुकाम बार बार होने लगा। और कोई तकलीफ? और तो कुछ नहीं है, कभी कभी बुखार आ जाता है। किसी चीज़ का व्यसन करते हो क्या आप? सिगरेट पीता हूँ डॉक्टर साहब। कितनी पीते हो दिन की? एक डेढ़ पैकेट, 15-20 सिगरेट रोज की। और कितने टाइम से पी रहे हो? 10-12 साल हो गए डॉक्टर साहब। 10-12? मैं आपका चेकअप कर लूँ क्या? हो गए सर 10-12 साल। चेकअप कर लूँ मैं क्या आपका? हाँ। सांस लीजिए। ठीक है, आपको है ना फेफड़ों में एक बीमारी हो चुकी है, एम्फाइजिमा नाम की एक बीमारी हो चुकी है, जिससे आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे खांसी हो गई वगैरह। इसका मेन जो कारण होता है वो सिगरेट स्मोकिंग ही होता है, जो कि आप कर रहे हो। तो मैं आपको अभी ये सजेशन दूंगा कि आप सिगरेट स्मोकिंग जल्द से जल्द छोड़ दें, और आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? ना, कोई घबराने की बात नहीं है। जब तक आप सिगरेट छोड़ दोगे तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ोगे, ऐसा का ऐसा ही करोगे, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हानिकारक बीमारियाँ हो सकती हैं। अभी तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है आपके फेफड़ों पे, पर अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सिगरेट पीने में। मैं आपको आप थोड़ी दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, या आप बाहर से ले लीजिएगा। क्या नाम है इनका? रमेश कुमार। क्या हुआ डॉक्टर? रिपोर्ट अभी आई है कि आपको अभी आखिरी स्टेज का कैंसर है। मैंने आपको पिछली बार बताया था सिगरेट छोड़ने को, तो आपने छोड़ी नहीं थी क्या? आपने ध्यान नहीं दिया? इनके लिए अब बहुत टाइम नहीं बचा है। मैंने तो आपको बोला था सिगरेट कम करने को, लेकिन अभी नहीं की तो ये इनकी गलती है। हम कुछ नहीं कर सकते, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये जगह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रमेश को गया, अपने बेटे को अस्थमा देखा गया। अच्छा हुआ मैंने टाइम से तंबाकू छोड़ दिया, अब हंसी खुशी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी मंगेतर मेरी बीवी बन गई, एक अच्छी जॉब लग गई। मैं आपको भी इतना ही कहना चाहूँगा, जिंदगी चुने तंबाकू की। जो लोग तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं और बाद में अचानक से छोड़ देते हैं, वे लोग जिन लक्षणों का अनुभव करते हैं उन्हें विड्रोल सिम्टम्स कहते हैं। विड्रोल सिम्टम्स में सर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, रात को नींद नहीं आना, ज़्यादा भूख लगना, बार बार तलब उठना आदि आते हैं। विड्रोल सिम्टम्स से बचने के लिए कुछ सामान्य उपाय कर सकते हैं। अगर आपको चिड़चिड़ापन होता है तो बाहर टहलने के लिए जाइए, अपने दोस्तों घर वालों से बात कीजिए, योगा प्राणायाम आदि करें। रात को नींद नहीं आती है तो 6 बजे के बाद चाय और कॉफ़ी का सेवन बंद कर किताब पढ़ने की आदत डालें। जब भी तलब उठे एक ग्लास पानी का पिए, घर वालों दोस्तों से बात करें, एक्सरसाइज करें, और अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि ये तलब भी थोड़ी देर में बैठ जाएगी।